हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, चिंता पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होते हैं, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है? तो यहाँ पर है कंसाइसनेस, द फूल, क्लिंजिंग टू द पास्ट, न्यू विजन, कंडीशनिंग एंड द पेशेंस। नंबर यहाँ पे 0 5 7 15 7 7 7 7 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। और आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। तो इस वक्त के आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं किसी से, अपने दोस्तों से हो सकता है, जो दोस्त इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, जैसे कि मेरे दोस्त का कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट रहा है, इसको जैसे कि सपोर्ट करना है, इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर लड़का है तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं और जिससे कि इनकी ज़िंदगी ख़राब होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यही इनके दोस्त भी महसूस कर पा रहे हैं और इनको बचाने की कोशिश तो डेफिनेटली हो रही है। आपके पार्टनर जैसे कि दिमाग इनका कंट्रोल में नहीं है, बिना सोचे समझे आपके लिए जान देने के लिए भी रेडी हो चुके हैं ये पर्सन, लेकिन यस डेफिनेटली इनके दोस्त इनको बचाते हैं। और आपके पार्टनर का यही है, ये ना गलत बातें जो आपके इस रिश्ते में पहले हुई है उन बातों को भुलाने के लिए वो गलत कुछ कर रहे हैं अपने साथ, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ इनका चल रहा है। और चाहे जो हो जाए, इस रिश्ते के पास को भुलाने की जितनी भी कोशिश करें, वो पास्ट इनको और ज़्यादा याद आने लगता है, और ज़्यादा गलत, और ज़्यादा जैसे कि झगड़े, चीखे, चिल्लाना, मारपीट, जो भी आपके रिश्ते में हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको धक्के मार के घर से निकाल दिया गया है, या तो आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो आपके जो भी ससुराल वाले हैं वो नहीं चाहते आपके ये पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, ये दिल से कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को तोड़ने का, एक दूसरे से अलग करने का, और जैसे कि आपका ये जो भी पार्टनर है उसको कहीं और जैसे कि डाइवर्ट करने का, किसी और के साथ या तो इनको शादी करानी आपके पार्टनर की, क्योंकि ये दिल से आपको पहले से ही पसंद नहीं करते थे। हो सकता है कि आपका ये जो भी रिश्ता है वो दोनों में से मतलब या तो आपके घर वाले इनको पसंद नहीं करते थे, या तो इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसी वजह से जो कि डिस्टेंस आ गया है। भले आप हस्बैंड वाइफ हो या तो आपका जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, लेकिन दोनों में से किसी के घर वाले जो ये पसंद नहीं करते, और जिस वजह से आपके पार्टनर को आपके साथ या तो चीट करना पड़ा, धोखा करना पड़ा, या तो आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। रीज़न तो थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी करंट में आपके पार्टनर आपके बिना जो भी पागलपन इनका बढ़ रहा है, उस पागलपन को कम करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, नए तरह से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। इनको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रूड एनर्जीज फील हो रही है, कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पे, इनको आपकी तरफ से ऐसे एनर्जीज ही फील हो रही है कि चाहे जो हो जाए, ब्रेकअप तो हो चुका है, डिस्टेंस तो आ चुका है, अब अगर तू आ रहा है मेरे पास तो जैसे मैं बोल रही वैसे आ। हो सकता है कि आपके घर वालों की कुछ कंडीशन हो सकती है इस रिश्ते के लिए, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वैसा बिहेवियर करें जो कि उसके लिए वो रेडी नहीं है। आपको इस रिश्ते में जाना तो है, लेकिन आपकी मर्ज़ी की जैसे, क्योंकि जहाँ पर भी हो आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप इस रिश्ते में जाते हो ना, आपकी पहले जैसी मतलब पहले भी कुछ वैल्यू नहीं थी और अभी आपकी कुछ वैल्यू नहीं की जाएगी, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? अगर तू मुझसे प्यार करता है फिर तू क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता? तू क्यों मुझसे वैसे बिहेवियर नहीं करता जैसे पहले करता था? जो जगह तेरे दिल में मेरे लिए थी वो आज मुझे क्यों नहीं फील हो रही है? क्यों तू इतना सेल्फिश बिहेवियर कर रहा है और सिर्फ
थर्ड पार्टीज के बारे में सोच रहा है और मेरे बारे में कुछ भी तेरे दिमाग में नहीं है। आप इस एनर्जी से परेशान हो चुके हो। इस रिश्ते को फिर से आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी, क्योंकि सेंटर की एनर्जी से न्यू विजन, दोनों को ये रिश्ता चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो है पास्ट को भुला नहीं पाते और आप जो है कि अपने ही कंडीशन से रिश्ता चलाओगे, नहीं तो अब जो कि आपको भी इस रिश्ते में नहीं जाना है। आपने यहाँ पे पेशेंस बनाया है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे इस वजह से। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए आप एक जगह पर बैठे हुए हो और वेट एंड वॉच कर रहे हो। आपको इस बात के ऊपर भरोसा तो है कि आपका ये रिश्ता स्टार्ट तो हो जाएगा, न्यू विजन, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा, ऐसे आपके दिल के इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं। कंसाइसनेस का कार्ड यही शो करता है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को कंटिन्यूसली सोचते हो 24/7। एक सेकंड के लिए भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाते, बैक ऑफ द माइंड दोनों ही एक दूसरे के चलते ही रहते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग से आपके लिए, तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है? अगर ये फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ही है, ठीक है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, जैसे कि मैंने बोला ये पास को भुला नहीं पाते, हर वक्त आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं और जैसे कि आपको बता रहे कि उन्होंने आपकी एक भी फ़ोटो अब तक डिलीट नहीं करी है। इट डजंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, ये सही नहीं था जो आपसे दूर हुए हैं, इनको अच्छे से पता है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, अब इस वक्त इनके लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से पहले कार्ड से ही बोला था कि इनके लिए ज़िंदगी में करंट में आपके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डोंट बी सो इनसिक्योर, आपको बता रहे कि आप जो कंडीशंस कर रहे हो ना, तो आप ऐसे मत करो, आपको इतनी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इनको पता है कि जितनी जान इनकी जा रही है आपके लिए, अब उतनी आपकी नहीं जा रही है। आई हैव इनर चाइल्ड हुड वॉन्ट्स, हो सकता है कि इनके घर में बचपन में बहुत ज़्यादा तकलीफ इन्होंने झेली है, हो सकता है कि इनके मम्मी पापा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा झगड़े मारपीट होती रहती थी और जैसे कि ना उन एनर्जी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान थे बचपन से, ये जैसे कि शादी वाले रिश्ते से डरते आए हैं इस तरह की एनर्जी से। तो ये हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पे ये भी सोचा होगा कि अगर आपसे शादी हो जाती है तो पता नहीं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा का चलता था झगड़ा, वैसे हमारा भी चलने लगे, और जैसे कि शायद ये रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे, जैसा आपका प्यार है वैसा ही प्यार वो हमेशा महसूस करना चाहते थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने आपसे शादी नहीं करी, चांसेस बनते हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, अगर ये आपसे अभी मिल नहीं रहे और अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है ना, तो इनको इस बात से भी डर लगता है कि अगर आपको कोई एक दूसरे के साथ देख लेगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, आपके उनके कैरेक्टर के ऊपर जो उंगलियां उठाई जाएगी, तो इन सब बातों से इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस वक्त आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग है इस वक्त की आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रेजोनेट है वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।